नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। कल हम लोगों ने ये होमवर्क लिया था प्रकृति की व्यवस्था को समझने के क्रम में। तो प्रकृति की एक अवस्था के बारे में हम सभी जो को ऑब्जर्व कर सकते हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म परम धर्म। तो हर एक अवस्था से कुछ उदाहरण लेने थे, कोई इकाई लेनी थी और उसके रूप गुण स्वभाव धर्म परम धर्म इनका अध्ययन करना था। और ये भी बात हुई थी कि जितने भी शब्द आए पूरी चर्चा में उनके अर्थ को और गहराई से विस्तार समझने का भी प्रयास करना था। तो ज्ञान की वस्तु के रूप में दिखता है कि ये नौ ही वस्तुएं हैं, नौ ही बिंदु हैं। तो चारों अवस्थाओं का मुझे धारणा यानी धर्म यानी स्वयं व्यवस्था स्पष्ट हो जाए, चारों अवस्थाओं का स्वभाव यानी संबंध यानी अपने से बड़ी व्यवस्था भागीदारी स्पष्ट हो जाए और सहअस्तित्व स्पष्ट हो जाए। स्पष्ट होने का मतलब दिख जाना है, यहाँ पर वैचारिक स्पष्टता नहीं। तो उस क्रम में जो भी प्रस्ताव गया है वो हमें कितना प्रस्ताव हम तक ठीक से पहुंच गया है उसको देखने की बात थी। तो उसको भी हम अपने आप में है ना देख सकते हैं। और वैसे ही हमें ये भी देखना है कि इन चार अवस्थाओं के साथ हम परस्परता में अभी क्या भागीदारी कर रहे हैं, जो पूरकता के अर्थ में। तो मानव के लिए क्या भागीदारी कर रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए क्या भागीदारी कर रहे हैं, प्राण अवस्था के लिए क्या भागीदारी कर रहे हैं, पदार्थ अवस्था के लिए क्या भागीदारी कर रहे हैं। तो ये हमारे असाइनमेंट में था। कल जो आपने असाइनमेंट किया उसके आधार पर यदि कुछ प्रश्न बने हो, कुछ क्लियर ना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कितने लोगों ने कुछ समय अलग से लगाया कि कल जो प्रस्ताव हुआ उसको पीपीटी के पीडीएफ भी बनाकर शेयर किए गए थे, उन शब्दों को एक बार फिर से देखना और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करना। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगर आपने कुछ अलग से समय लगाया उन शब्दों को एक बार फिर से देखकर उनके अर्थ को समझने का। तो ये होमवर्क के रूप में हम ले, प्रतिदिन जो हम होमवर्क ले रहे हैं। जी बढ़िया, पारव दीदी कह रही है उन्होंने लगाया समय। तो जो होमवर्क हम ले रहे हैं उसको हम लोग विधिवत करते चले। और स्वयं में जो ऑब्जर्व करना था, जी स्वयं में जो ऑब्जर्व करना है उसको हम बनाए रखें अभ्यास को, इसे हम एक रूटीन में ले आए। जैसे हम लोग दिन में 3 बार 4 बार भोजन लेते हैं, चाय नाश्ता लेते हैं, तो उसी तरह से हमें दिन में 3 बार 4 बार बैठकर अपने को ऑब्जर्व करना है, अपने भाव को ऑब्जर्व करना है, अपनी कल्पनाशीलता को ऑब्जर्व करना है, पिछले 4-5 घंटों में अपना जो आचरण रहा उसका मूल्यांकन करना है, देखना है हमारा भाव ठीक रहा कि नहीं, हम सुखद स्थिति में रहे या नहीं रहे, इन सब बातों को ऑब्जर्व भी करते जाना है। एक तरफ इस प्रस्ताव की स्पष्टता होती जाए, इसका हम विश्लेषण करते जाए, इसके आधार पर कल्पनाशीलता में हमारी क्लैरिटी बनती जाए, इसके आधार पर हम अपने जीने को चित्रित करते जाए कि अगर ऐसा है तो मेरे जीने का स्वरूप क्या होगा। जैसे हम लोगों ने चार अवस्थाओं के साथ व्यवस्था में भागीदारी की बात की, तो हम ये भी देख सकते हैं कि मेरे जीने का ऐसा क्या स्वरूप हो जो इन चारों अवस्थाओं के लिए पूरक हो। उसे आप आएंगे कल्पनाशीलता में काफी शिफ्ट आएगा। हो सकता है हम कुछ ऐसी योजना बना रहे हैं जो इन अवस्थाओं की व्यवस्था में बाधक हो, तो हम उसका उसी समय मूल्यांकन कर पाएंगे। तो जो हम भाव के स्तर पे कर रहे हैं तो हो सकता है उतना शार्पली हम ना कर पाए, बट जब एक प्रस्ताव सामने आया यानी जो हमने उसको चित्रित किया जीने में फैला कर कि क्या मैं इन चारों अवस्थाओं से पूरक हो पाऊंगा, अगर मैं ऐसा जीऊंगा, अगर मैं ऐसे रहूंगा, ऐसे कार्यक्रम बनाऊंगा, तो स्पष्ट हो जाता है। तो ये असाइनमेंट था कल के लिए, कई साथियों ने इसका अभ्यास किया है जी, इसको हम लोग कर ले तो ये क्लैरिटी अगर बन जाएगी तो आगे की जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं ना उन पे स्पष्टता अपनी बन जाएगी जी। तो अगर ये सारा स्पष्ट है, कोई प्रश्न नहीं है, तो हम लोग अगले लेक्चर पे चलते हैं। परंतु इसको जरूर चित्रित करें कि क्या हम लोग जीने का अपना एक ऐसा स्वरूप अपने आप में तय किया है जो इन चारों अवस्थाओं के लिए पूरक हो सकता है, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, मिट्टी हवा पानी के लिए। एक होलिस्टिक लिविंग मॉडल को हम धीरे धीरे अपने आप में इमेजिन कर पाएंगे। होलिस्टिक लिविंग मॉडल का इतना ही मतलब हुआ कि पूरी प्रकृति की व्यवस्था में हम पूरक हो जाए, तो मानव के साथ ठीक से जी पाए, पशु पक्षियों के साथ ठीक से जी पाए, पेड़ पौधे के साथ जी पाए, मिट्टी हवा पानी पदार्थ जो भी है इनके साथ ठीक से जी पाए। तो इसमें हमको सुविधा की आवश्यकता भी स्पष्ट होगी, उत्पादन की विधियां भी स्पष्ट होंगी, हमको अपनी दिनचर्या भी स्पष्ट होगी, दिन भर में हम कितना समय लगा रहे हैं उनके साथ पूरकता के लिए, है ना। तो मानव की बात करें तो हम ज्ञान के लिए
स्वयं में ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए दूसरे में ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए कितना समय लगा रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए हम क्या समय लगा रहे हैं, पेड़ पौधों के लिए क्या समय लगा रहे हैं। हम सीधे सीधे समय लगाएं एक बात है, हमने जीने का अपना ऐसा एक मॉडल तैयार किया है, ऐसी एक व्यवस्था बनाई है जो इनके लिए सहज रूप से पूरक है और अच्छी बात है ना। तो इसको हम लोग अपने आप में चित्रित करके देखें, अपने आप में फैला कर देखें। तो लेक्चर 7 हम लोगों ने पूरा किया, अभी हम मॉड्यूल 2 में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम जानना क्या होता है इसको हम लोग समझने की बात करें, जानने की प्रक्रिया क्या है। तो अभी लेक्चर 8 में हम 3 मुद्दों पे बात करने वाले हैं। नोअर यानी ज्ञाता, जानने वाला क्या है, कौन है। नोन गे, जानने की वस्तु क्या है। और द प्रोसेस ऑफ नोइंग, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, यानी ज्ञान क्या है। तो ज्ञान ज्ञाता गे, इन 3 मुद्दों पे अभी हम बात करने वाले हैं। तो ये हमें स्पष्ट हुआ था कि हम सबकी मूल चाहना क्या है, निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहते हैं। निरंतर सुख अब दिखाई देता है कि ज्ञान समाधान से ही पूरा होगा। तो जितना जितना इस बात को देख पाएंगे उतना उतना जो परतंत्रता है हमारी बाहर से कुछ पाकर सुखी होने की, उससे हम मुक्त होते जाएंगे। जब ज्ञान और समाधान से ही सुख होने वाला है तो फिर संवेदना से क्या होने वाला है, तो सामयिक रूप से कुछ राहत मिलने वाली है। दूसरे से भाव पकड़ क्या होने वाला है, सामयिक रूप से कुछ राहत होने वाली है। निश्चितता निरंतरता तो ज्ञान और समाधान से ही है, इस बात को हम अपने अंदर और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये जो समय समय पर हम लोग कहते रहे कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो जब ये ज्ञान और समाधान हमको स्पष्ट होता है, ज्ञान और समाधान सुनिश्चित कर पाते हैं, तो सुख हमारा स्वभाव बन जाता है, हम सहज रूप से सुखी रहते हैं इसके आधार पर। अन्यथा हम अपने आप में सहज रूप से सुखी नहीं रहते, ठीक। तो सामयिक रूप से अपने सुख को बढ़ाने के बनाने के लिए या दुख को कम करने के लिए हम बाहर की ओर भागते हैं, संवेदनाओं की ओर भागते हैं, या दूसरे से कुछ अनुकूल भाव मिल जाए इसके लिए प्रयास करते हैं। तभी हमारी ऐसी स्थिति हो सकती है, परंतु एक बार ये स्पष्टता बन जाए तो फिर इसके लिए काम करेंगे, इसके लिए समय लगाएंगे कि नहीं। और जितना जितना ये हमारे को स्पष्टता होगी, हमको दिखता है कि इसके लिए और समय है मेरे पास, ज्ञान और समाधान के लिए काम करने के लिए और अधिक समय उपलब्ध है मेरे पास। बहुत सारा ऐसा समय है जिसको मैं देख नहीं पा रहा था कि उपलब्ध है, अब मुझे उपलब्ध दिख रहा है ना। एक बार ये निर्णय हो गया इसी से सुख है, तो सोते समय भी यही निर्णय लेकर सोएंगे, रात भर अपने ऊपर काम होगा कि नहीं। कोई भी बात अगर स्पष्ट नहीं हुई दिन में चर्चा में और आप उसको सोचते हुए सोए, तो आप पाएंगे कि हो सकता है सुबह उस पर स्पष्टता बन जाए। कई बार आप देखेंगे कोई एक मुद्दे पर आप विचार करते हुए सोए, सुबह उठे तो उस पर कुछ क्लैरिटी बन गई है, यानी रात भर कुछ काम हुआ है कि नहीं। तो इसी तरह से ज्ञान के मुद्दों पे काम हो सकता है, समाधान पे काम हो सकता है। तो समाधान में 9 बिंदु अपने को दिखाई दिए, अभी हम लोग ज्ञान को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो ज्ञान विवेक विज्ञान व्यवहार कार्य व्यवस्था भागीदारी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, इसमें से हर एक बिंदु पे स्पष्टता होना ही समाधान है। तो ज्ञान क्या है, वास्तविकता को जैसा वैसा देखना। नोअर ज्ञाता कौन है, मैं हूँ, ये बात हमें स्पष्ट हो सकती है अब तो बिल्कुल ठीक ठीक स्पष्ट हो सकती है। ज्ञाता मैं हूँ, जानने वाला मैं हूँ, शरीर तो जानने वाला नहीं है, कोई बाहर की इकाई जानने वाली नहीं है, है ना, मैं जानने वाला हूँ। जानने की वस्तु क्या है, तो अस्तित्व समग्र पूरा अस्तित्व ही जानने की वस्तु है। और उसमें भी बात हुई कि जब हम अस्तित्व को जानने की बात कर रहे हैं तो अस्तित्व की इकाइयों के रूप और गुण को जानने की बात नहीं कर रहे, उनके स्वभाव धर्म और परंधर्म को जानने की बात कर रहे हैं। तो अब इसको अब हम और थोड़ा विस्तारित करते हैं। तो जानने में देखें तो 3 चीजों को जानना है, मानव का ज्ञान हो जाए तो ज्ञेय के रूप में क्या है, क्या जानना है, मानव का ज्ञान हो जाए, अस्तित्व का ज्ञान हो जाए और मानव के आचरण का ज्ञान हो जाए, यही 3 मुद्दे हैं। मानव के ज्ञान से क्यों शुरू किया, क्योंकि तो अपने को जानने के आधार पर ही बाकी चीजों के स्वस्थता बनने की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अगर अपने आप को नहीं जान पाते हैं तो जो हमारे अंदर कंफ्यूजन है, मान्यता है, हम बाहर की इकाइयों पर आरोपित कर देते हैं। तो मानव के ज्ञान से शुरू करेंगे, अस्तित्व के ज्ञान पे जाएंगे, फिर मानव के आचरण के ज्ञान पे जाएंगे। जानने की प्रक्रिया क्या है, तो अभी तक हम लोग जो कहते रहे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रस्ताव है, उसको पहले ध्यान से सुनना, फिर उसको स्वयं में जांच कर देखना,
फिर इसको जी कर देखना है ना। अब उसी को दूसरी तरह से देखें तो क्या भाई हमें स्वयं की स्पष्टता बन पा रही है, तो उसको कहेंगे उसी बात को अब दूसरे शब्दों में कहेंगे कि चिंतन बोध अनुभव में जागृत हो पाना। अल्टीमेटली जो मैं स्वयं में जांचता हूँ, जी कर देखता हूँ, तो उसका फल परिणाम क्या है कि मैं चिंतन बोध अनुभव में जागृत होता हूँ। तो प्रक्रिया के रूप में वो तो है ही कि प्रस्ताव को ध्यान से सुनना, उसको स्वयं में जांच कर देखना, उसको जी कर देखना। फल परिणाम के रूप में देखें तो क्या होगा, स्वयं में चिंतन की क्रिया जागृत होगी, बोध की क्रिया जागृत होगी, अनुभव क्रिया जागृत होगी, और यही ज्ञान है। तो ज्ञाता मैं गे अस्तित्व समग्र, ज्ञान चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना। तो चिंतन की वस्तु क्या है, स्वभाव यानी संबंध। बोध की वस्तु क्या है, धारणा यानी व्यवस्था। अनुभव की वस्तु क्या है, सहस्तित्व यानी पूरा प्रकृति कैसे शून्य में संपृक्त है, यह अनुभव की वस्तु है। तो कई बार ये देखने में एक बड़ा गोल लगता है, अनुभव तक कैसे पहुंचेंगे, बोध कैसे होगा, चिंतन कैसे होगा, बट एक अच्छी बात ये है कि हम उस प्रक्रिया में आ गए हैं। हम ये सुबह जो समय लगा रहे हैं, दिन में जो ध्यान दे रहे हैं, समय लगा रहे हैं, है ना, इससे संबंधित लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हम इस प्रक्रिया में आ गए हैं। और इस प्रक्रिया को अगर हम अनवरत बनाए रखें और अपने मूल्यांकन के प्रति हम और सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, मूल्यांकन और विधिवत करने लगे, अपने प्रति होश बना रहे, तो ये उपलब्धि फिर अपने में दिखना बिल्कुल संभावित है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें शरीर की अवस्था का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये भी कहूंगा कि परिवार में वातावरण की अनुकूलता का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम आप में होना है। तो अनुकूल वातावरण है तो भी, प्रतिकूल है तो भी, कई बार प्रतिकूल वातावरण होता है तो ज्यादा ध्यान जाता है, अनुकूल होता है तो बाहर से मिलने वाले भाव या संवेदना में हम कई बार सुख मानकर कंफर्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं। प्रतिकूल वातावरण होता है तो हमको लगता है इसकी अनिवार्यता है, इससे बगैर तो सुखी नहीं हो पाएंगे कि नहीं, तो आप पाएंगे इसमें शरीर की अवस्था से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, परिवार में वातावरण की अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों ही मुद्दों में देखें तो ज्ञाता कौन है, आप है ना। ज्ञे क्या है, अस्तित्व जो आपको उपलब्ध है, और ज्ञान होने का मतलब क्या है, आप में चिंतन बोध अनुभव जागृत होना है, ये भी आप में होना है कि नहीं। तो निर्णय आपका है, बाहर किसी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, निर्णय आपका है। प्रतिकूल घटनाओं में भी अगर आप ठीक से बैठ के उस पर ध्यान देते हैं तो अपनी भागीदारी को और स्पष्टता से देख सकते हैं कि नहीं। भैजी एक आपने ना अभी एक चीज बोली कि जब हम किसी भी समस्या को लेके या कोई भी सोच रहे होते हैं, जब हम सो जाते हैं तब भी उसका समाधान मिल जाता है। जैसे मैं अब कोरिलेट करूं इस वाक्य को, तो जैसे जब हम पढ़ते थे बचपन में तो मैथ का कोई इक्वेशन होता था तो हम जब उसको करते करते सो जाते थे तो सुबह उठते सोल्यूशन बड़ा अच्छा मिलता था। तो मेरा ये प्रश्न पूछना है कि क्या उस सोते हुए भी मैं जिस विचार के साथ हम सोते हैं या मनन करते हैं, मतलब जब नींद में होते हैं एक्चुअली इस ऐसी नींद में, तो उस समय भी क्या मैं इतना एक्टिव होता है कि वो समस्याओं को सुलझा रहा होता है? तो मैं की योग्यता पर निर्भर है। देखिए जब ऊपर की क्रियाएं जागृत होने लगती है ना, तो आपको एक निर्णय है, हमने शरीर को आराम दिया, और ऐसे भी ऊपर की क्रियाएं जागृत होने लगती है तो नीचे की क्रियाओं का रोल थोड़ा हो जाता है। जैसे अभी हम विचार में जितना समय लगाते हैं नहीं लगाना पड़ता, अभी हम आस्वादन में जितना समय लगाते हैं बाहर से कुछ पाकर सुख में नहीं लगाना पड़ता, और जो नीचे की क्रियाएं हैं वो शरीर से जुड़कर हो रही हैं। जैसे जब हम आस्वादन कर रहे हैं तो शरीर से जुड़कर कर रहे हैं ज्यादातर समय, है ना। वैसे जब विश्लेषण कर रहे होते हैं और उसमें हार्मनी नहीं होती है तो शरीर पे जोर पड़ता है। तो जैसे जैसे ऊपर क्रियाएं जागृत होने लगेंगी शरीर का रोल भी कम दिखाई देगा, कल्पनाशीलता का रोल भी कम दिखाई देगा। तो ये तो मैं के कॉम्पिटेंस पर निर्भर है ना। और देखिए समस्या को लेकर सोचना है ऐसा नहीं, सोना है ऐसा नहीं, हम तो जो जांचने के मुद्दे हैं, ज्ञान के मुद्दे हैं, उसको ध्यान देते हुए सोएंगे। मैं अपने आप को शरीर से भिन्न इकाई के रूप में देखते हुए सोऊंगा तो उस पर होश बना रह सकता है। मैं विश्वास के भाव को अपने आप में जांचते हुए सोऊंगा, उस पर होश बना रह सकता है कि नहीं। इनफैक्ट आप पाएंगे कि आप जो अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी को देखने का प्रयास करते हुए सोते हैं
तो आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है, गाढ़ी नींद आती है। और जब आप किसी समस्या यानी अभाव को लेकर सोचते हुए सोते हैं, चाहे सुविधा का अभाव हो, संबंध का अभाव हो, समझ का अभाव है, तो आप पाएंगे वो पूरे शरीर को थकाता है, तो सोते हुए भी हम गाढ़ी नींद नहीं सो पाते। परंतु जब हम ज्ञान को लेकर सोचते हुए सोते हैं तो नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। भागीदारी को सोचते हैं, ये तो बिल्कुल प्रयोग पूर्वक देखी हुई बात है ना, इसको कर सकते हैं। सर कल से मेरे दिमाग में विचार भाई, अभी तो मैं विचार की धारणा ज्यादा प्रबल हो रही है क्योंकि अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं करी ना, तो उसमें मैंने मेरी समझ में ये आ रहा है कि खनन वगैरह जो कोयला और ये सब तो बड़े लोग करते हैं, हम लोग तो बहुत आम पब्लिक तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, तो उस चीज को कैसे हमारी क्या पार्टिसिपेशन होगी, हम कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि जो इतना बड़ा यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में ये चीज सही नहीं हो रही, तो उसको हम कैसे, मैं तो अपने छोटे से इस लाइफ में इतनी भागीदारी निभा रही हूँ कि चलो दो पेड़ लगा लिए, एक जामुन का, एक अमरूद का, एक फूल लगा लिए, उनके लिए चिड़िया के लिए पानी रख लिया, पर प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है यूनिवर्स के लिए, उसमें कैसे भागीदारी निभाई है। देखिए भागीदारी का जो मुख्य काम है वो तो व्यक्ति के अंदर समाधान सुनिश्चित करना है। तो जो खनन करने वाले लोग भी हैं ना, वो खनन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी वो सुविधा का आय का स्रोत दिख रहा है, और कई बार खनन जरूरी भी है क्योंकि हमारे पास अभी उसके विकल्प ना हो। जैसे हम इतना सारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, अभी उसका मेजर सोर्स एक कोयला है ना, थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला यूज हो रहा है तो हम निकाल रहे हैं, तो एक तरफ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो हम समाधान पे काम करेंगे कि इसका विकल्प क्या होगा, उस पर हम ध्यान देंगे, वही प्रस्ताव हम दूसरे तक पहुंचाएंगे। तो मानव के लिए, क्योंकि मानव शिक्षा संस्कार अनुसंगी है, मुख्य काम तो ज्ञान और समाधान के लिए करना है, उस पर हम काम करेंगे। दूसरा, जो हमारे आसपास की प्रकृति है उसका हम संवर्धन संरक्षण सदुपयोग करेंगे, संवर्धन क्रम में पेड़ लगाएंगे, संरक्षण क्रम में पेड़ बचाएंगे, है ना, सदुपयोग इनका करेंगे, और फिर हम जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका हम विकल्प डेवलप करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, तो हम और जो दूसरे विकल्प हो सकते हैं उसका हम प्रयोग करेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे आज के दिन विकल्प हैं रिन्यूएबल एनर्जी के टर्म्स में देखें, और तो उस चीज को हम फिर समाज में भी ले जाएंगे। हम उसको तो बहुत छोटे लेवल से कर रहे हैं ना, तो अभी तो जरूरत है बहुत बड़े लेवल से हम लोगों को इम्प्रूव करने की। देखिए आप एक अगर बड़े लेवल पे जाके चीजों को इन्फ्लुएंस करेंगे ना, तो आप पाएंगे समस्या सिर्फ उत्पादन करने वाले की तरफ नहीं है ना, बहुत सारी समस्या है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो उपभोग करने वाले के साथ भी है। तो आप जाकर अचानक कोयले का प्रोडक्शन बंद करा दीजिए, कोयले का खनन नहीं हो सकता, कोयले से मिलने वाली बिजली बंद करा दीजिए, फिर देखिए समाज में उपद्रव हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जी। तो ऐसा नहीं कि जो खनन कर रहे हैं उनके साथ ही समस्या है, ठीक, तो हमारे साथ भी समस्या हो सकती है, उनके साथ भी हो सकती है, इसलिए समाज विकसित करना मुख्य काम है, और अल्टीमेटली समाज से ही मानव नियंत्रित होता है क्योंकि मानव शिक्षा संस्कार अनुसंगी है। तो हम कुछ नियम कानून बना देंगे तो उससे सामाजिक रूप से कुछ भली परिवर्तन हो जाए, परंतु स्थायी नहीं होगा। तो इस पर हम काम करेंगे, इसमें हमारे है ना ज्ञान का भाग भी होगा और स्किल्स भी डेवलप करेंगे कि और क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या हमारे क्षेत्र में इतनी हवा चलती है कि पवन ऊर्जा से काम चल जाए, इतनी धूप आती है क्या सौर ऊर्जा से काम चल जाए, क्या पेड़ पौधों से हम डीजल या ऐसी चीजें बनाकर अपने आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, और दूसरा जितना कंजम्पशन कर रहे हैं उसको हम कम करेंगे, ये तो एक मेजर इश्यू है। तो अभी हम हो सकता है कि चूंकि हमारे पास सुविधा है तो हम दिन में 2400 घंटे एसी चला रहे हैं, अब हमको दिखता सुविधा का सदुपयोग एसी चलाने में नहीं है 2400 घंटे, आवश्यकता न हो तो चलाएंगे ही नहीं, तो उसका प्रयोग कम करेंगे, हम सदुपयोग बढ़ाएंगे, यही बात दूसरे तक भी पहुंचाएंगे। फिर आपको दिखेगा कि जब शिक्षा पे ठीक से काम होता है तो ऐसे आचरण के साथ जीने वाले लोग तैयार होते हैं, फिर उसके साथ संविधान में भी परिवर्तन होते हैं, व्यवस्था में भी परिवर्तन होते हैं, ऐसे नियम भी बनते हैं। परंतु जब ये नियम बनते हैं तो उसके पीछे जो होमवर्क होना था, जो बैकग्राउंड में तैयारी होनी थी, वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसके प्रति स्वीकृति बनती है, ऐसा नहीं कि उसको लेकर फिर विद्रोह और विरोध तैयार हो जाएगा। जी सर, फिर जब मेरे पास जैसे कॉलेज में दो सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ITCS और ह्यूमन में, तीन है, तो उसमें जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों को ये इस तरीके से समझाने लगती हूँ ना, तो बच्चे ना हंसने लग जाते हैं,
वो इस चीज को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी समझते नहीं, समझना नहीं चाहते, क्यों नहीं समझना चाहते कि भाई मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी सबको थोड़ी थोड़ी पार्टिसिपेशन करनी जरूरी होती है। तो वो ऐसे ऐसे ये मैडम तो बोलती रहती है, ऐसे ऐसे करके ना हंसते हैं, फिर पता नहीं मेरे समझाने में कुछ फर्क आ जाता है। देखिए, यही तो बात कई बार हुई ना कि अगर हम प्रिस्क्राइब करेंगे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपको हाँ ऐसा जी बनना चाहिए, है ना, इससे कोई निष्कर्ष, जैसे अभी सत्र में बोले कि आप सभी को ज्ञान समाधान संपन्न होना चाहिए, स्वभाव में स्थापित होना चाहिए, है ना, व्यवस्था का बोध जी होना चाहिए, इससे कुछ नहीं निकलेगा। आप सुखी होना चाहते हैं, आपके सुख से कैसे जुड़ा हुआ है इस पे बात होनी जरूरी है। तो ठीक है क्या है सर। वो, हाँ, कहने से पहले स्वयं में भी दिखना जरूरी है कि हम क्या अपने लाइफ में भी बहुत सारे नियम बना के चल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, या हम समझ कर चल रहे हैं। अगर हम अपने आप में समझ कर चलेंगे तो दूसरे को भी समझने में सहयोग करेंगे। अगर अपने आप में ठीक ऐसे नियम बना के चलेंगे तो दूसरे को भी नियम बताएंगे, उससे कुछ निकलेगा नहीं फिर। है यस सर। जी सर वैसे चर्चा करने के लिए तो, पर चर्चा के साथ साथ हमें उसका समाधान भी बहुत जरूरी है, जी जी ये इसके लिए बहुत अपने ऊपर काम ज्यादा। करना जरूरी है। सर मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं, आपने कहा था कि हम अपने आप को देखते हैं, सर ये चीज क्लियर नहीं है मुझे, कैसे हम अपने आप को देख सकते हैं? मतलब जब मैं प्रैक्टिस के लिए बैठती हूँ तो मैं नहीं समझ पाती कि मेरी फीलिंग्स क्या है। तो अब इस पे तो बेटा हमने काफी बातें की, जो उसके लिए रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं, है ना, प्लेलिस्ट पे, आप उसको एक बार सुनिए। तो भाव के प्रति सजग होने का अर्थ क्या है, और यदि भाव के प्रति सजग नहीं हो पा रहे तो उसके लिए हम क्या और तैयारी कर सकते हैं, कैसे विचार को देखकर हम भाव तक पहुंच सकते हैं, उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और उसमें जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उसको भी लेकर हम 2 सेशंस लगाए। तो उसकी थोड़ी आप रिकॉर्डिंग्स जो अवेलेबल है पहले से उसको आप सुने, है ना, फिर कोई यदि प्रश्न बनता है तो आगे जब हम लोग अभ्यास के स्टेप्स पे बात करेंगे तो फिर अपने प्रश्न को लेकर आइए। जब मैं अपनी भागीदारी देखने लगी तो शुरुआत में मुझे लग रहा था कि बड़े बड़े काम, ये बड़े काम, प्लास्टिक बैन, ये सब तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा मुझे फील आ रहा था। पर फिर मैंने ध्यान दिया कि जैसे मैंने छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए कि हमने बैग में थैला रखना शुरू किया, इनफैक्ट मैं शादी में भी अपनी बॉटल लेके गई और मैंने उसी से, मतलब डिस्पोजल ना यूज करके अपनी बॉटल से यूज किया, तो लोगों ने इस बात को बहुत सराहा। मैंने कहा हाँ ये किया जा सकता है। तो मुझे एक कल ये फील आया कि आप बोलो कम और कहो ज्यादा, तो शायद मतलब अपनी अपनी भागीदारी ऐसे दिखने लगी कि हाँ हम ये करके कर सकते हैं, हमको ऐसा करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मुझे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मुझे ऐसा कि पहले ऐसा लगता था कि ये सारे बड़े काम कोई और करेगा, पर अब लगता है कि मैं करूंगी, भले ही अपना काम करूंगी, बहुत बड़ा नहीं कर पाऊंगी, पर जो मैं कर सकती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे जैसे मुझे सोल्यूशन दिख रहा है। जी बिल्कुल, है ना। देखिए, एक बार हमको अपनी भागीदारी दिखने लगे, ठीक है, तो हमारे जीने में एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे अवसरों पर भी हमको अपनी भागीदारी स्पष्ट रहती है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, पानी पीऊंगा, प्लास्टिक का अगर मैं ग्लास यूज करूंगा तो बेहतर अपने साथ की बॉटल रख लें। और आज के दिन बहुत तरीके के डिजाइन भी आ रहे हैं मार्केट में, जो छोटे से बॉटल हो सकते हैं, छोटा सा आपका थैला हो सकता है, आप अपने पर्स में रख के चलिए, तो इस तरह की चीजों पर ध्यान दे ही सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। भैया बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, और ये बात जैसे जैसे समझ में आती है तो मनुष्य के प्रति भी सम्मान बढ़ता है, स्नेह का भाव आता है, और प्रकृति के प्रति भी जो है हम सृष्टि को निगाह पसार के देख पाते हैं, और उसके खासकर सदुपयोग की ओर ध्यान जाता है जितनी भी। और ये भी दिखता है कि सृष्टि में अभी भी सबको खिलाने की क्षमता मौजूद है, सब कुछ है, यहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ है। अगर मनुष्य का उसमें जो अभी दृष्टि स्पष्ट ना होने के कारण हम उसका या तो उसकी अति में चले जाते हैं, उसका शोषण करने लगते हैं, और या हम उसका सदुपयोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम सदुपयोग समझेंगे, जैसे जैसे हम उनकी जानकारियां भी जुटाएंगे
ये भी देखने को मिला है कि अभी 100-200 साल के अंदर जो है हमारी जो प्रकृति को लेकर जो जानकारियां थी वो बहुत तेजी से घटी है। तो हम सृष्टि में ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि हमारी खाद्य श्रृंखला क्या थी, हम कैसे जीते थे और कौन कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं। मतलब अगर धन्वंतरी या कोई भी वैद्य की बात करें जो पुरातन में काम किए हैं तो वो अपने शिष्यों को जिस तरीके से इस पूरी औषधीय व्यवस्था को समझने के लिए भेजते थे, तो ऐसी ज्ञान की जो परंपराएं थी वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो मेरा यही कहना है कि अभी भी जब से मैंने इस दर्शन के आधार पर सृष्टि को देखना शुरू किया है तो अब बाजार की तरफ जाने से ज्यादा ध्यान जो है नदियों, पहाड़ों, तालाबों, पेड़ पौधों को बहुत गौर से देखने की ओर चला गया। मतलब आप अपनी खाद्य श्रृंखला भी हम अपने 10-15 किलोमीटर की रेंज में जुटा लेते हैं। कभी उमर के फल की कैसे सब्जी बनाई जा सकती है, किस छाल का क्या उपयोग हो सकता है। तो जैसे जैसे मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी सृष्टि में बहुत समृद्धि है, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। और जैसे जैसे हमारा सदुपयोग की ध्यान जाएगा तो निश्चित हमारा फिर इसकी चक्रियता को समझने में, इसके वृद्धि पर भी हमारा ध्यान जाएगा। तो इतनी ही बात भैया मैं शेयर कर रहा था। तो ज्ञाता यानी मैं, इस बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं अभी। तो ज्ञान क्या है कि जो वास्तविकता है उसको वैसा ही देखना, ये ज्ञान है। ज्ञाता मैं हूँ। तो हमने पहले ही देखा है कि मैं ही दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ, समझने वाला हूँ। शरीर तो इस पूरी प्रक्रिया में यंत्र की तरह काम करता है, साधन की तरह काम करता है। तो मैं ही हूँ जो ध्यान देता हूँ, जो देखता हूँ, समझता हूँ। और जब हम देखना कह रहे हैं तो ये देखना है पूरे रेंज में है। तो अभी तक हम देखने का मतलब रूप को देखने का कहते हैं। वही आपने उस व्यक्ति को कहीं देखा है? हाँ हाँ मैंने देखा है, अभी वहां टहल रहे थे। तो अभी हम देखने शब्द का आमतौर पर जो प्रयोग करते हैं वो हमने किसी इकाई के रूप को देख लिया तो हम कहते हैं, परंतु जब यहाँ पे देखने शब्द की बात कह रहे हैं तो संपूर्णता में देखने की बात कर रहे हैं। रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, परम धर्म, इन सबके साथ देखने की बात कर रहे हैं। तो इस पे तो अभ्यास एक में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, दृष्टा कर्ता भोक्ता को जब लेकर चर्चा की थी तो भी हमने इससे बात की थी। तो जो पूरा रेंज है उसमें क्या है अगर हम देखें तो जैसे हम आकार को देख रहे हैं किसी काई के, तो हम किस स्तर पे देख रहे हैं? चयन आस्वादन के स्तर पे देख रहे हैं, उसके रूप का आस्वादन हो रहा है। तो किसी बाहर की वस्तु का आकार है, पेड़ है, उसका आकार है, उसका आकार का जो चित्र है मेरी आंखों पे बना, आंखों से मेधस तक गया, मेधस से मुझ तक पहुंचा और मेरे अंदर जो आस्वादन क्रिया है वहां पे जाके मैंने उसको देखा कि हाँ ये पेड़ का रूप है। जब प्रभाव मतलब गुण को देख रहे हैं तो उसमें मेजर पार्ट विश्लेषण का, तो रूप में होने वाले परिवर्तन से गुण का पता लगता है। परंतु और जब विश्लेषण करते हैं तो जो सीधा सीधा नहीं देख पा रहे थे रूप के परिवर्तन से, उसको भी अपने अंदर विश्लेषित कर लेते हैं, उसको भी अपने अंदर विश्लेषित कर लेते हैं। तो ये जो काम है प्राइमरली अगर देखें तो ये तुलन और विश्लेषण के स्तर पर हो रहा है। जब भागीदारी की बात हो रही है तो अभी हम उसको देख पाते हैं तो चिंतन के स्तर पर देख पाते हैं, बट बिना देखे भी भागीदारी के बारे में कुछ माने भी रहते हैं, है ना। अगर संबंध को नहीं देख पा रहे तो विरोध को मान लेते हैं, वो भी भागीदारी ही है, परंतु सही विधि से नहीं देख पा रहे। तो चिंतन और चित्रण के स्तर पर हम इकाई की भागीदारी को देख पा रहे देख पाते हैं। वैसे ही बोध और संकल्प के स्तर पर देखें तो हम स्वयं में व्यवस्था यानी उसकी नेटनेस यानी उसकी धारणा यानी उसके धर्म को देख पाते हैं। और अनुभव और प्रमाण के स्तर पर हम सस्तित्व को देख पाते हैं, संपृक्तता को देख पाते हैं। तो ये देखने वाला मैं ही हूँ, ठीक है ना, और इसमें पूरा रेंज है देखने का। अगर इन सबको एक साथ रख के देखें तो हम कह पाते हैं कि अभी हम रियलिटी को बहुत ही इनकम्प्लीटली देखते हैं, जैसे रूप को देखते हैं और गुण का विश्लेषण कर लेते हैं, बट जो मेजर पार्ट है वो तो संबंध व्यवस्था सस्तित्व को देखने का है जो ज्ञान है। तो ज्ञान तो यही है, संबंध व्यवस्था सस्तित्व को देख पाना यानी स्वभाव धर्म परम धर्म को देख पाना कि नहीं, यानी भागीदारी स्वयं व्यवस्था संपृक्तता को देख पाना।
जो भी शब्द प्रयोग करें, तो ये ज्ञान है, यही मेरा मूल काम है जो करने योग्य है। तो किसी इकाई के रूप अवगुण को देख रहे हैं तो उसमें सहयोग कर रहा है, शरीर का प्रयोग कर रहे हैं शरीर सहयोग कर रहा है, दूसरे मनुष्य का संवाद कर रहे हैं उसमें भी सहयोग मिल रहा है। बट हमको दिखाई दे कि सारा सहयोग किस अर्थ में है, ज्ञान के अर्थ में। इस ज्ञान के आधार पर जो आचरण सुनिश्चित होता है, फिर हम उसको भी अपने आप में देख पाते हैं, अब मेरे आचरण में ये परिमार्जन हुआ। तो ये ज्ञान का मुद्दा है। ज्ञेय क्या है, जानने की वस्तु क्या है, तो इसको हम अगर पूरी स्थिति की बात करें तो कई प्रकार से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली देखें तो ज्ञान के लिए तीन मुद्दे हैं, मानव का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और मानव के आचरण का ज्ञान, यानी अस्तित्व में मानव की भागीदारी का ज्ञान। तो ये जो फॉर्मुलेशन है इस प्रकार से फॉर्मुलेट किया गया है, तो इसमें चूंकि मानव के होने में मैं केंद्र हूँ और मुझमें ज्ञान समाधान सुनिश्चित होना है जिससे मेरे जीने में परिमार्जन हो जाए, तो मानव के अस्तित्व को ध्यान में रखकर ये फॉर्मुलेशन किया गया है। वैसे अगर हम ज्ञान की प्रक्रिया को देखें, जब उसको हम देखने जाते हैं, उसमें दिखता है कि अल्टीमेटली उसमें हमारे अंदर चिंतन बोध अनुभव की क्रिया जागृत होनी है कि नहीं। तो फर्स्ट वी हैव टू नो द सेल्फ, द नोअर, ओनली वेन वी नो द नोअर एंड वी आर श्योर दैट नोअर हैज डेवलप द कॉम्पिटेंस टू नो द एग्जिस्टेंस एज अ होल कम्प्लीटली, देन ओनली वी कैन बी श्योर ऑफ नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जब हम इस ज्ञान की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने जाते हैं, तो हम जब मानव से जानना शुरू करते हैं, क्योंकि तो मानव ही देखने समझने वाला है, ज्ञान सुनिश्चित करने वाला है, तब बाकी चीजों को भी हम जान पाते हैं। जितना जितना हमारे अपने अंदर ज्ञान सुनिश्चितता अपने बारे में, उतना हमारी तैयारी बनती है बाहर के ज्ञान के बारे में। नहीं तो जो भी हमारे अंदर मान्यता बनी हुई है, जो भी हमारे परतंत्रता बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं डिक्टेट करता है, डोमिनेट करता है हमारे बाकी चीजों को भी। जी, तो जानने के वस्तु के रूप देखें पूरा अस्तित्व, और तीन मुद्दे हैं उसमें, मानव का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और अस्तित्व मानव की भागीदारी का ज्ञान, यानी मानव के आचरण का ज्ञान। प्रोसेस ऑफ नोइंग को देखें, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, तो चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना, यही ज्ञान की प्रक्रिया है। तो इसके साथ क्या होता है, संबंध व्यवस्था और अस्तित्व की स्पष्टता होती है। तो चिंतन में संबंध की स्पष्टता होती है, बोध में व्यवस्था यानी धर्म की स्पष्टता होती है, और अनुभव में अस्तित्व यानी संपृक्तता हमको दिखाई देता है। तो अनुभव क्या है, अस्तित्व का अनुभव, ये देख पाना कि अस्तित्व अस्तित्व है, अर्थात जो भी इकाइयां हैं वो शून्य में संपृक्त है, शून्य में संपृक्त बने रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, जिसके आधार पर पूरी व्यवस्था बनी हुई है, इसके आधार पर भागीदारी बनी हुई है, संपूर्णता के आधार पर ही हो रहा है। इस बात को देख पाना संपूर्णता में ये अनुभव है। वैसे ही व्यवस्था का, स्वयं व्यवस्था का बोध हो पाना, तो उसमें हम इकाई की धारणा को देख पाते हैं, स्वयं व्यवस्था को देख पाते हैं कि नहीं। तो हम इकाई का अध्ययन शुरू करते हैं, उसके साथ हम अवस्था के पूरे धारणा को, धर्म को, स्वयं में व्यवस्था को देख पाते हैं, और धीरे धीरे हम सारी अवस्थाओं का भी देख पाते हैं। और चिंतन की बात करें तो मेरी जो भागीदारी है, संबंध है, उसका चिंतन। तो जब भागीदारी की बात करते हैं तो वो भी इकाई से शुरू करते हैं, परंतु उसके साथ पूरे अवस्था का देख पाते हैं। तो जैसे हम अपने आप में विश्वास के भाव को देखना शुरू करते हैं, जब दिखाई देता है कि हर मानव का यही स्वभाव है, सिर्फ मेरा ही नहीं, हर मानव का यही स्वभाव है, तो पूरी अवस्था को देख पाते हैं। किसी बाहर की इकाई की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, मिट्टी और पानी की बात करें, उसकी भी स्वयं व्यवस्था को देखते हुए पूरी अवस्था को देख पाते हैं, उसकी भागीदारी को देख पाते हैं। तो ये देखना है, ज्ञान है, जानना है, यही जानना है, यही ज्ञान। इसमें कई बार बात हुई, मुझे लगता है कि इसमें हमें कोई अस्पष्टता नहीं होगी, तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, इन तीनों पे जो बात की, ये बात पूरी स्पष्ट हुई कि नहीं। अगर कोई बात ऐसी रह गई जो स्पष्ट नहीं हुई तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम लोग प्रश्नों को ले सकते हैं। ये तो अभी जो भी हम समझ रहे हैं इसमें तो अपने संस्कार ही बाधक हैं फिलहाल अभी, लेकिन एक मुझे शब्द भैया जी मतलब समझना था, ये अनुसंगिता, अनुसंगिता का मतलब क्या होता है?
बढ़िया, ये मैंने बताया, ये हम लोग ने बात भी किया, अनु मतलब पीछे, तो जिसके पीछे पीछे मेरा आचरण तय होता है, यानी इकाई का आचरण तय होता है, इकाई के आचरण का आधार क्या है उसको अनुसंगी, जैसे अगर पदार्थावस्था की बात करें तो परिणामानुसंगी, यानी जैसे उसकी बनावट होती है वैसा आचरण, प्राणावस्था की बात करें तो बीजानुसंगी है, जैसा बीज वैसा आचरण, वैसे जीवावस्था में देखें तो जैसा वंश वैसा आचरण, मानव की बात करें तो जैसा शिक्षा संस्कार वैसा आचरण, इसको अनुसंगीयता कह रहे हैं। मतलब किसी होने के पीछे किसी का कारण उसको अनुसंगीयता कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पूरी अवस्था की बात हो रही है, पूरी अवस्था, जैसे अभी है ना आप मानव हैं, तो आपका आचरण कैसे तय होता है, तो आपके शिक्षा संस्कार से तय होता है, शिक्षा सही हुई है सुनिश्चित हुई है तो एक तरह से आचरण होगा, या तो कहें शिक्षा गलत हुई है या शिक्षा नहीं हुई है तो दूसरे तरह से आचरण तय होगा, जो संस्कार बना हुआ है उससे आचरण तय होगा, तो अभी घटनाओं के सापेक्ष नहीं देख रहे हैं, तो ओवरऑल देख रहे हैं पूरी अवस्था के लिए, कि मानव का जो आचरण है वो संस्कार से तय होता है, संस्कार शिक्षा से तय होता है, शिक्षा उपलब्ध हुई है तो एक तरह का संस्कार होगा, नहीं हुई है तो अलग तरह का संस्कार होगा। अच्छा, किसी चीज के बनने में या स्वभाव जैसा होना चाहिए, उसके पीछे जो मतलब भाव है उसको आप अनुसंगीत है, एक तरीके से बोलने को कर रहे हैं, जिससे आचरण तय हो रहा है, जैसे अभी आपका आचरण, आचरण किसको कह रहे हैं, आपका विचार व्यवहार कार्य भागीदारी ये सब कैसे तय हो रहा है, आपके संस्कारों से तय हो रहा है। हाँ 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 जी जी जी, तो संस्कारों का ही तो अनुसंगी हुए आप। ठीक ठीक ठीक, पशु को देखिए तो वंशों के आधार पर, वंश के आधार पर हो रहा है, उसमें मैं वाला भाग उतना प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि शरीर से आचरण तय होता है, शरीर का जैसा वंश वैसा आचरण। बढ़िया भैया, इस पर उन्होंने काफी चर्चा की है, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा पिछले दिनों का, उसमें आपको मिलेगा ये। आनुषंगिकता को क्या हम इंग्लिश में इनहेरिटेंस कह सकते हैं, नियरेस्ट वर्ड क्या होगा, इनहेरिटेंस या आनुवंशिकता कह सकते हैं? अनुवंशिकता नहीं कहेंगे, इनहेरिटेंस कहना ठीक है, उसी को उन्होंने स्लाइड में लिखा भी था इनहेरिटेंस। अच्छा ओके ओके, इनहेरिटेंस कहना ठीक है। ओके ओके, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एग्जिस्टेंस इज कोएग्जिस्टेंस ऐसा है, और कल ऐसे ही बात हो रही थी एक दो लोगों के साथ में, तो जैसे हम बात करते हैं कि प्रकृति में मतलब इस एग्जिस्टेंस में चार अवस्थाएं हैं और मानव जो ज्ञान अवस्था की इकाई है, अगर वो ना भी रहे, जैसे मान लीजिए एक मतलब अजम्पशन है कि ना भी रहे तो भी बाकी तीनों तो रह सकते हैं, उनको कोई उनकी एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मानव ने ही ना समझी से जी के पूरी जो अवस्थाएं हैं बाकी शेष प्रकृति उसके साथ में जो कार्य व्यवहार हो रहा है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो बात ये आ जाती है कि अगर एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस है तो एक जो सबसे ऊपर वाली जो ये ज्ञान अवस्था है ये नहीं रहेगा तो फिर मतलब हम फिर भी एग्जिस्टेंस रह सकती है, मतलब ये शरीर नहीं रहेगा चैतन्य रहेगा लेकिन फिर भी एग्जिस्टेंस है, तो इसको ना थोड़ा सा मैं वहां फंस रही थी, मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसमें प्रश्न क्या बना दी थी? प्रश्न ये बना के उसके बिना भी तो एग्जिस्टेंस रह सकती है, चारों अवस्थाओं में से एक मानव नहीं भी रहता है अगर शरीर रूप में। हाँ, अब इसको थोड़ा अगर एनालाइज किया जाए तो जैसे हमको दिखता है इस पूरे अस्तित्व में बहुत सारे ऐसे ग्रह उपग्रह हैं जहाँ खाली पदार्थ है, जैसे चांद है खाली पदार्थ है, सूरज है खाली पदार्थ है ना, मर्क्यूरी है खाली पदार्थ है, तो पदार्थ तो है ही प्रकृति में देखें तो कम से कम पदार्थ तो है ही। अब वहां पे जब अनुकूलता बनती है तो प्राणावस्था की इकाइयां आती है, तो हो सकता है कुछ धरती हो, अभी पता लगाया जा रहा है कोई मार्स पे संभावना है कि नहीं, तो ना या दूसरे ग्रहों पे कुछ संभावना है कि नहीं, तो हो सकता है कि अनुकूलता बने तो प्राणावस्था की इकाई आ जाए वहां पर, ठीक। फिर और अनुकूलता बनती तो जीवावस्था इकाई आती है, अब जब जीवावस्था की इकाई आती है तो वहाँ एक सेल्फ और बॉडी दोनों ही है जी, तो वो सेल्फ में डेवलपमेंट तो होगा, तो प्राणावस्था इकाई तक एक तरह की बात है, परंतु जब जीवावस्था आ गई तो वहाँ सेल्फ और बॉडी दोनों है, तो सेल्फ आएगा तो फिर सेल्फ में डेवलपमेंट भी होगा, ज्ञानावस्था की इकाई भी तैयार होगी जी। बट ये ठीक है कि अभी भी धरती पे देखें तो कोई जंगल है, तीन अवस्थाएं हैं, मानव नहीं जाता है, वो जंगल बना रहता है,
बट जब हमको ये दिखाई देता है कि अल्टीमेटली विकास जो पूरे अस्तित्व में है वो तो सेल्फ में होना है, तो हम इस पे नहीं कल्पना करेंगे कि मानव नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता, हम इस पे कल्पना करेंगे कि मानव ज्यादा अच्छा स्वयं कैसे हो जाए। जी, तो दो तरीके से कहें कि मानव ना हो तो ज्यादा अच्छा हो या मानव ज्यादा अच्छा कैसे हो जाए। जी जी भैया, और एक प्रश्न है ना, सेल्फ में ही है, बाकी तो अब करोड़ों अरबों वर्षों तक चंद्रमा वैसा वैसा ही बना रहेगा, उससे क्या निकल गया। जी जी भैया, एक ये बात थी भैया, एक और प्रश्न था ऐसा ही मानव से ही जुड़ा हुआ, कि हम जब एक्सप्रेस होने जाते हैं और हम मूल्यांकन करते हैं किसी का, तो जब हम एक्सप्रेस होने जाते हैं तो शरीर के आधार पे ही होते हैं और हम मूल्यांकन करते हैं मैं से मैं का, राइट इवेल्युएशन, इसको और ठीक कर लेते हैं, शरीर के आधार पर एक्सप्रेस नहीं होते हैं, एक्सप्रेशन में शरीर का साधन की तरह प्रयोग करते हैं, आधार तो कल्पनाशीलता रहता है। जी 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 जी, मैं वही बोल रही थी। ठीक है जी भैया, तो फिर जब हम मतलब शरीर को साधन के रूप में लेकर के उसके माध्यम से एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो जब हम सही मूल्यांकन करते हैं सम्मान के लिए, तो फिर शरीर भी तो उसका पार्ट है, तो शरीर के आधार पे नहीं करना है वाली तो मूल्यांकन मैं का हो रहा है ना। जी, तो आधार तो मैं ही रहेगा, पर उसमें शरीर का भी कुछ रोल तो रहेगा भैया, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम जब भी इवेल्युएट करते हैं तो एक्सप्रेशंस भाव बन रहा है, कौन सा भाव बन रहा है, तो वो शरीर के एक्सप्रेशन से भी दिखाई देता है। वही तो, शरीर एक साधन के रूप में दिखाई देता है, जैसे मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ है ना, और वो उंगली सामने रखकर मेरे सामने बात कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी उंगली को देखकर मुझे ये मूल्यांकित होता है कि स्वयं व्यक्ति आवेश में है, अगर उसके चेहरे पे मुस्कान है ना, अच्छे से बात कर रहे हैं तो मूल्यांकन होता है कि इसके अंदर आराम में है, सुख का भाव है, गले मिल रहा है तो हमको दिखता है इसके अंदर संबंध का भाव है, तो उसका भाव जो है उसके एक्सप्रेशन में शरीर एक साधन की तरह काम कर रहा है, तो मैं उसके शरीर को तो देखता हूँ, तो शरीर से मुझे संकेत मिलता है उसकी कल्पनाशीलता का, मैं कल्पनाशीलता को सीधे सीधे तो नहीं देखता, तो मैं उसके भाव भंगिमा को जो शरीर के माध्यम से आ रहा है, जो शरीर का जो है ना चल रहा है शरीर के ऊपर, उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है, हाथ पांव जैसे चल रहे हैं, ठीक, इसको मैं देखता हूँ, इससे मुझे इसके भाव का पता चलता है, कल्पनाशीलता का पता चलता है। जी भैया, इसको भी साधन की तरह काम करता है, जैसे अभी भी आप बोल रही है ना, तो आपकी आवाज सुन रहे हैं, आवाज तो शरीर से ही आ रही है, बट इससे आपकी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है वो इंगित हो रहा है, आपके अंदर क्या प्रश्न चल रहा है इंगित हो रहा है, आपके विचार में क्या चल रहा है, चित्रण में क्या चल रहा है इंगित हो रहा है, शरीर साधन की तरह काम कर रहा है। जी जी भैया, तो हम दूसरे के शरीर के रूप को भी देखेंगे, उसकी ध्वनि को भी सुनेंगे है ना, उससे हमको उसके भाव पता चलता है, जब सामने है कोई व्यक्ति तो हम उसके चेहरे को देखते, बहुत सारे जैसे कोई व्यक्ति तनाव में है तो देख के पता लग जाता है कि तनाव में है व्यक्ति, शांत है तो व्यक्ति है ना, हंस नहीं रहा बिल्कुल, सुबह से चुप है, तो एक तरह की स्थिति दिखाई देती है, हंस रहा है बोल रहा है अलग तरह की स्थिति दिखाई देती है, तो शरीर साधन की तरह काम कर रहा है। तो हम लोगों ने ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय इन तीनों में बात किया, तो ज्ञान के रूप में देखे तो चिंतन बोध अनुभव में जागृत होना यही ज्ञान है, ज्ञाता मैं हूँ चैतन्य इकाई, और ज्ञेय क्या है पूरा अस्तित्व, हम इस बात को अपने आप में देख सकते हैं कि पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व है, जिसको अनुभव कहा, तो सह अस्तित्व का अनुभव होना है, ये दिखना है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, अर्थात इकाइयां हैं शून्य में संपृक्त है, तो जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें दिखता है कि प्रकृति की हर इकाई शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित है, शून्य में बने रहते नियंत्रित है, स्वयं में व्यवस्थित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है ना, शून्य में बने रहते हुए। तो दिस व्हेन सीन इन द केस ऑफ द सेल्फ एज ए यूनिट, तो मैं देख पाता हूँ, जब अपने बारे में बात करें, अगर इकाई मैं हूँ तो अपने बारे में देख पाते हैं कि मैं एक चैतन्य इकाई हूँ जो शून्य में बना हुआ हूँ, शून्य में बने रहते मैं ऊर्जित हूँ, मेरी जो क्रियाएं हैं इच्छा विचार आशा ये मुझ में निरंतर चल रही है, तो मुझे क्रियाएं चल रही है तो मैं ऊर्जित तो हूँ ही, और मैं नियंत्रित हूँ, मैं एक निश्चित व्यवस्था में जीना चाहता हूँ, तो शून्य में संपृक्त बने रहते हम सभी नियंत्रित है, जब संबंध का भाव होता है तो हम सुखी होते हैं, विरोध का भाव होता है हम दुखी होते हैं, ये इस प्रकार से मैं नियंत्रित ही हूँ, ठीक है ना,
तो अनियंत्रित हो जाता हूँ जब मेरे अंदर संबंध का भाव ही रहता है, परंतु नियंत्रित मैं पहले से ही। तो अगर थोड़ा सा इन दोनों में स्थितियों में अंतर किया जाए तो मैं नियंत्रित हूँ, स्वनियंत्रित होना है, यानी शून्य में बने रहते तो मैं नियंत्रित हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरे अंदर विरोध का भाव आता है मैं दुखी होता हूँ, जैसे ही मेरे अंदर संघर्ष का भाव आता है मैं दुखी होता हूँ, जैसे मेरे अंदर अव्यवस्था का भाव आता है मैं दुखी होता हूँ, और ये भाव बने रहते हैं मैं सुखी रहता हूँ, इस प्रकार से मैं नियंत्रित हूँ। और ये भी देख सकते हैं कि मैं अपनी परस्परता को पहचान पाता हूँ, निर्वाह कर पाता हूँ। तो जब मैं अपनी परस्परता को ठीक ठीक देख पाता हूँ, उसका निर्वाह करता हूँ, है ना, तो मैं सुखी होता हूँ। जब मैं उसको नहीं निर्वाह करता मैं दुखी होता हूँ। तो इस बात को देख पाने के साथ जब ये बात दिखती है कि अस्तित्व सहसित्व है और किस प्रकार से पूरी प्रकृति शून्य में संपृक्त है, यानी शून्य बन रहे तो ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता में पहचान हो रहा है, निर्वाह हो रहा है, तो ये अनुभव है। और इसको मैं जब देखता हूँ तो इसका प्रमाण मुझे मिलता है, यानी इसके साथ जीने का निर्णय मुझ में बनता है। जब दिख गया तो बाकी क्रिया इसी अर्थ में सजेंगी ना, यही प्रमाण है। तो जो बोध अभी प्रकृति की व्यवस्था का हो रहा था वो पूरा होता है, इस पर उन्होंने बात भी की थी, फिर उससे पूरी कल्पनाशीलता इसी अर्थ में सजने लगती है, संकल्प होता है, यानी ऐसे ही जीना है, ऐसा निर्णय बनता है। फिर जो चिंतन भागीदारी का हो रहा था इकाई इकाई का अवस्थाओं के रूप में, वो पूरा होता है इस पूरे अनुभव के साथ, फिर वैसे ही हमारा चित्रण होता है, उसी अर्थ में मेरी सारी क्रियाएं सजती चली जाती है। जी कुछ हैंड्स रेज है। तो भैया सेल्फ को यहाँ यूनिट कह रहे हैं, और यूनिट जिनको भी कहा है वो आकार में सीमित है, जिनको यूनिट कहा गया है, तो सेल्फ मतलब आकार सीमित है, इसको कैसे मतलब हम देखें? इस पर भी हमने थोड़ी बात की थी, मैं इसको फिर से रख देता हूँ। तो जैसे आप अभी कहाँ पर हैं? नौगांव में? जी भोपाल में भी। भोपाल में, मैं इधर नोएडा में हूँ मान लीजिए। जी जी नोएडा में। तो मैं भोपाल में नहीं हूँ और आप इधर दिल्ली NCR में नहीं है। जी ठीक, यानी कहीं तो आपकी सीमा है ना। जी जी। तो ऐसा नहीं कि हम पूरे अस्तित्व में फैले हुए, हम आकार में कहीं सीमित है, तो आकार की सीमा को भी देखा समझा जा सकता है। अब जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं, है ना, या कुछ अवस्था होगी शरीर की, क्या बैठे हुए हैं कहाँ? जी। तो जहां भी बैठे हुए हैं अगर आप देखें तो आप शरीर भी वहीं बैठा हुआ, आप भी वहीं बैठे हुए। अब उससे 10 मीटर दूर के अगर किसी स्थान को चुना जाए तो ना वहां शरीर है ना आप है, तो आपके आकार की सीमा तो है ही ना। जी जी। तो हम पाएंगे कि शरीर के आकार की भी सीमा है, मैं के आकार की भी सीमा है। शरीर के आकार की सीमा को हम आंखों से आस्वादन कर लेते हैं, मैं के आकार की जो सीमा है वो हमको आंखों से आस्वादन में नहीं आता, वो तो स्वयं में ही देखना होता है। तो कई बार इसीलिए हमारे लिए रहस्य बना रहता है, परंतु एक बार जब निर्णय हो जाए इसको देखना है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो देख लेंगे। तो स्थान में आप सीमित हैं, आपका शरीर भी सीमित है, आप भी सीमित है, न तो शरीर हर जगह फैला हुआ है ना आप फैले हुए, और आप पाएंगे कि आप पूरे शरीर में फैले हुए हैं, क्योंकि शरीर किस अंग को छोड़ दे, मेरे तो जिम्मेदारी हर अंग के प्रति है। तो चल रहा हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ कि भाई पैर में चोट ना लग जाए, बैठा हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ पीठ में है ना कुछ चुभ ना जाए, लेटता हूँ तो मैं पूरे शरीर का ध्यान भी रखता हूँ, खा रहा हूँ तो मैं हाथ उठाता हूँ तो ध्यान रखता हूँ, मुंह में डाल रहा हूँ ध्यान रखता हूँ, तो मैं पूरे शरीर में फैला हुआ हूँ, और शरीर से बाहर जो जगह है उसमें नहीं फैलता, मैं नहीं देखता, मैं उधर क्या करूंगा, वहां तो कोई मैं संकेत भी नहीं दे सकता, जिसको मैं संकेत दे सकता हूँ उतने में फैला हुआ हूँ। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हर इकाई अपने आप में एक्टिव तो है, अपने आप में मतलब नेचुरली ये सब चीजें है ऐसा बोलते हैं, जैसे पहाड़ है, अब जब ये नेचुरल डिजास्टर होता है या पहाड़ टूटता है तो उसका भी वो सुखी दुखी होना होता है कि उसमें भी संगठन विघटन होता है, और जब उसको कोई छेड़ नहीं रहा, जैसे अभी तो चीजें नेचुरल डिजास्टर हम इसलिए कह रहे कि हम मानव खराब हो गए और हम ये चीजें इनका दोहन कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें हो रही, लेकिन एक पहाड़ अगर अपनी जगह पे है और वो कभी गिरता है और उसको किसी ने टच नहीं किया और गिरता है अपने आप, तो वो क्या है, वो उनकी क्रियाएं चल रही है और वो सुखी दुखी होने की क्रिया है जो जिसमें टूटते हैं बनते हैं। तो पहाड़ तो चैतन्य है नहीं, तो सुखी दुखी तो नहीं होगा, वो तो पदार्थावस्था में है, पेड़ पौधे हैं प्राणावस्था में है,
उसमें क्रिया फिर ये क्या हुआ वो जो टूटना जब अपने आप में वो एक प्रकृति में बहुत सारी क्रियाएं हो ही रही है। जैसा आप पाएंगे कि जिसको दावानल कहते हैं जंगल में आग लग गया तो ऐसा भी होता है, तो हमने आग लगाया कोई जरूरी नहीं है ना, पेड़ पौधे सूख गए, सूख के आपस में एक दूसरे के ऊपर गिरे तो चिंगारियां हुई पैदा हुई, चिंगारियां पैदा हुई तो जंगल में आग लग गया, या पहाड़ बना हुआ है। अब पहाड़ भी कैसे बना, अगर हम इस धरती के इतिहास के बारे में जितना अभी तक सूचना जुटाया गया है अगर उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि या जो अभी भी हो रहा है वॉल्केनोज होते हैं ना, तो अंदर लावा है धरती के अंदर, गर्म है धरती अंदर से बहुत गर्म है, तो वो लावा फूट के बाहर आता है तो उससे पहाड़ी बन जाती है। वैसे ही कई बार क्या होता है जो धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराते हैं तो वो एक हिस्सा उठ के बहुत ऊंचा आ जाता है। तो आप मतलब अगर ये कि पृथ्वी भी अपने आप को एडजस्ट करती रहे, मतलब पृथ्वी में नेचुरल जो चीजें हैं जो नॉन लिविंग जिसको हम बोल रहे हैं जहाँ पे ये चैतन्य नहीं है वो भी अपने आप को उस एडजस्टमेंट में स्थिर करने के लिए काम चलता ही रहता है कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, तो प्रकृति में क्रिया हो रही इतना ही है कि नियंत्रित है वो क्रियाएं, उन क्रियाओं को देखें तो प्रकृति में हर इकाई ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही, निर्वाह कर रही है। उसी क्रम में आप पाएंगे कि सारी क्रियाएं भी हो रही हैं, तो धरती में चट्टान अंदर में टकराते हैं, पहाड़ तैयार हो जाते हैं, जंगल में आग लग जाती है, ये सब बहुत सारा कुछ होता है। अभी जो बताते हैं कि अगर जो डायनासोर्स के बारे में जो सूचना मिलती है कैसे खत्म हुए, तो एस्ट्रॉयड कोई आके धरती से टकरा गया, तो हमने कोई टक्कर मारा एस्ट्रॉयड कैसा तो है नहीं, तो ग्रह भी या फिर सर के बहुत सारे जो ब्रह्मांड वस्तुएं हैं कई बार आपस में टकरा जाती हैं, एस्ट्रॉयड आके धरती में टकराया तो उससे पूरे समय जो डायनासोर्स वगैरह थे सब नष्ट हो गए। तो घटनाएं होती ही रही हैं, आगे भी होंगी, आगे भी हो सकता है कोई एस्ट्रॉयड आके टकरा जाए धरती से, मतलब कई चीजें खत्म होती जा रही, पर मुझे ऐसा लगता है नेचुरल जो चीजें वो तो खत्म हो रही है और जो मैनमेड चीजें हैं जो जैसे अब हम देखे कुत्ते का ही एक ब्रीड देख, मतलब कुत्ते के बारे में बात करें तो नेचुरल जो सड़क के वाले कुत्ते ठीक है वो अब कम होते जा रहे हैं और हर घरों में हाइब्रिड ज्यादा होते जा रहे हैं। ऐसे सब्जियों में देखे तो ब्रीड वाली सब्जियां ज्यादा होती जा रही, नेचुरल खत्म होती जा रही, तो वो जो चीजें नेचुरली खत्म हो रही, पता चला किसी दिन किसी ने डायनासोर ही बना के रख दिया, तो ऐसा मुझे देखने में आता है कि नेचुरल जो कभी या तो पहले भी वो जो सब्जियां थी नेचुरल वो भी किसी के द्वारा बनाई हो या अपने आप उगी हो और अभी उसके फॉर्म नए नए लोग डेवलप करते जा रहे हो। जी तो देखिए, तो प्रकृति में जो बहुत सारी घटनाएं होती हैं ना उसमें बहुत सारा उथल पुथल भी होता है, ऐसा नहीं कि मानव के कारण ही हो रहा है। मुख्य मुद्दा अगर इसको देखेंगे तो ये है कि जब मैं उस व्यवस्था को नहीं समझता हूँ, उसमें नहीं जीता हूँ तो मैं दुखी होता हूँ। तो प्रकृति में तो घटनाएं होती रही हैं, हो रही है, आगे भी होती रहेंगी। कुछ ग्रह है वो ठंडे हो, मतलब ग्रह धीरे धीरे जो बने हुए थे ठंडे होते जा रहे हैं, कुछ ग्रह हो सकता है गर्म होते जा रहे हैं, ठीक, कहीं ग्रह के साथ कोई चीजें टकरा रही हैं, कहीं ग्रह में नहीं टकरा रहे हैं, तो ये सब प्रकृति में तो ब्रह्मांड में बहुत सारी घटनाएं हो ही रही हैं। जो मुख्य मुद्दा इसमें कहा जा रहा है कि मानव को केंद्र में रखकर इस पूरी बात को कहा जा रहा है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं जिस व्यवस्था को समझ पाता हूँ उसमें अपनी भागीदारी को देख पाता हूँ तो मैं सुखी रहता हूँ, बाकी प्रकृति में जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। नहीं तो मुझे लगता है ये सब अपने आप हो रहा है, हम ये कहते हैं ना कि डेस्टिनी में लिखा है और ये सब अपने आप होता है, तो हमको जब अपन अस्तित्व की बात करें कि ये सब है और होता आ रहा है, तो फिर हमारे मानव में इतनी ज्यादा हलचल क्यों मच जाती कि हमको ये सब करना पड़ेगा और कर रहे हैं हम इसको, ऐसा दिमाग में आता है हर चीज हमको ये करना है। अभी इसको ऐसा करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सिंपल है, जैसे मानव की ना बात करके अपनी बात करें तो हम देखें अपने आप में, हम अपनी बात करें, हाँ मैं अपनी बात करूँ, समय थोड़ा हो चला है, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, समय हो चला है, अपनी बात करें तो अपने में देख सकते हैं कि मैं इतना परेशान क्यों हो जाता हूँ, मैं इतना उद्वेलित व्याकुल क्यों हो जाता हूँ, है ना, इसको अपने आप में लोकेट करेंगे तो हर मानव के बारे में जान लेंगे, भाई मैं सुखी होना चाहता हूँ, ठीक, और मुझे लगता है कि जब दूसरा मेरा सम्मान करेगा, मेरा है ना, मेरी ओर ध्यान देगा, मेरा कहना मानेगा, तभी मैं सुखी हो पाऊंगा। अब नहीं मान रहा तो लगता है उसको मिटा दो, बम पटक दो अगले के ऊपर, अब ये भाव विचार में अंदर तैयार हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो मैं अपने आप में कैसे उद्वेलित होता हूँ उस पर मैं देख पाऊँ तो मैं मानव जाति के बारे में देख पाऊंगा, तो युद्ध हो रहे हैं, महायुद्ध हो रहे हैं, ठीक, क्यों हो रहे हैं, अब एक कोई जमीन हड़प के बैठ गया है, उसका जमीन नहीं दे रहा, कहने से भी नहीं दे रहा, कई साल हो गए कहते हुए नहीं दे रहा, युद्ध हो जाता है,
तो ये सब घटनाएं तो हो रही है ना, उसमें देखें तो हम अपने बारे में ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में आएंगी। नित्य वर्तमान तो हम सह अस्तित्व को कह रहे हैं, ये घटनाओं को नित्य वर्तमान नहीं कह रहे, जो घटनाएं हो रही है सह अस्तित्व के आधार पर हो रही है। असाइनमेंट के रूप में ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय इसको लेकर जो बात हुई उसको हम थोड़ा अपने आप में जांचें परखें, कल इसको जो भी प्रश्न बनते हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।